बैसनाथ ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित जनजाति की बैठक की अध्यक्षता प्रीति सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में हंसराज ठाकुर व पूर्व विधायक किशोरी लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में अनुसूचित जाति का पहली बार पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष पृथ्वीराज ने कहा कि भाजपा ने हमारे भोले भाले समुदाय को हमेशा ठगा है, लेकिन इस बार हम भाजपा को करारा जवाब देंगे। पृथ्वीराज ने अनुसूचित जाति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति समय कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। अनुसूचित जनजाति के लोगों के हित के लिए आज दिन तक जो कार्य किए गए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। अनुसूचित जनजाति में दो समुदाय आते हैं, गद्दी गुज्जर। भाजपा सरकार में इन दोनों समुदायों के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। आगामी लोकसभा चुनावों में अनुसूचित जनजाति के लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के हित के लिए कार्य करेंगे। इस बैठक में पीसी कपूर, उत्तम कपूर, संजू कपूर, अजय कपूर, ओम प्रकाश, राजेंद्र ठाकुर, बहादुर सिंह, निक्का राम आदि उपस्थित रहे। आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस एसटी सेल की मीटिंग हुई, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने भाग लिया। और मैं धन्यवाद करता हूं श्री किशोरी लाल जी, भूतपूर्व विधायक बैजनाथ कंस्टिट्यूएंसी का, और समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी का, जिनकी प्रेरणा से हमारा एसटी सेल कंस्टिट्यूट हुआ और इसकी हम शाम तक आज कार्यकारिणी का चुनाव कर लेंगे, कल तक कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। उसके बारे में हम एसटी सेल का जो गुमराह लोग कई रोटियां सेकते हैं उसका हम पूरा प्रकरण करेंगे। और कांग्रेस में हम इसमें बहुत हमारे मुद्दे हैं, उसमें हम माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समुख रखेंगे और आगे जो भी कठिनाइयां आएगी उन कठिनाइयों को दूर करेंगे।